नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। अंतिम चरण के चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। स्मार्ट प्रीपेड मीटर बन रहा ग्राहकों के लिए सिरदर्द, अचानक कट रहे पैसे। 10 जून तक विदेश रवाना होगी जरदालू आम की पहली खेप। राम जानकी मंदिर से 200 साल पुरानी मूर्ति चोरी, लोगों का फूटा गुस्सा। शिखर धवन के शो में ऋषभ पंत ने कार दुर्घटना के बाद के बुरे समय का किया जिक्र। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अंतिम चरण के चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान शांतिपूर्ण करने के लिए पटना जिले के 16 थाना क्षेत्रों में 24 नाके बनाए गए हैं, तो साथ ही वाहनों की सघन जांच के लिए 214 स्थानों पर चेक पोस्ट बनाया गया है। चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच तेज कर दी गई है। इसके साथ ही सोमवार को 2 दर्जन से अधिक थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। स्मार्ट प्रीपेड मीटर बन रहा ग्राहकों के लिए सिरदर्द, अचानक कट रहे पैसे। उपभोक्ता को सुविधा के नाम पर उपलब्ध कराया गया स्मार्ट मीटर दरभंगा शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। नियमानुसार रिचार्ज की राशि समाप्त होने के पूर्व उपभोक्ता के रजिस्टर्ड नंबर पर जानकारी दिया जाना चाहिए, लेकिन कई उपभोक्ताओं द्वारा यह शिकायत मिल रही है कि बिना किसी सूचना के उनकी बिजली काट दी जा रही है। तो वहीं इस मीटर में रिचार्ज के बाद इसका सही हिसाब भी पता लगाना मुश्किल हो रहा है, जबकि हर महीने बिल में भी असमान उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और किसी भी समय ग्राहक के खाते से अचानक सैकड़ों रुपए समाप्त हो जाते हैं। 10 जून तक विदेश रवाना होगी जरदालू आम की पहली खेप। जरदालू आम की कंसाइनमेंट इस बार भी विदेशी मंडी में भेजी जाएगी। इसकी तैयारी स्थानीय किसानों द्वारा शुरू कर दी गई है। इस साल आम के फसल पर मौसम की मार पड़ी है। इसके बावजूद जो किसान आम की कंसाइनमेंट पिछले कुछ सालों से विदेश भेजते रहे हैं, वे इस बार भी इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। जरदालू आम की पहली कंसाइनमेंट इंग्लैंड के लिए रवाना की जाएगी। इंग्लैंड जा रही पहली कंसाइनमेंट 1 टन की होने वाली है, जिसे 10 जून तक इंग्लैंड भेज दिया जाएगा। बिहार के इन जिलों में दिख रहा रेमल तूफान का असर। रविवार की देर रात को रेमल तूफान 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के समुद्री तटों से टकराया, जिसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। सोमवार को बिहार के 9 जिलों के 10 शहरों में मध्यम से हल्की बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। उत्तर बिहार, कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के अधिकतम शहरों में बादल छाए रहे, जबकि पटना सहित कई शहरों में तापमान में कमी महसूस की गई। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज मंगलवार को भी रेमल तूफान का असर उत्तर बिहार में देखा जा सकता है, हालांकि दक्षिण बिहार का हिस्सा गर्मी की चपेट में रहेगा। छपरा में जल्द बनकर तैयार होगा मां कामाख्या का मंदिर। बिहार के छपरा में मां कामाख्या का 1,50,00,000 की लागत से मंदिर बनकर तैयार होने जा रहा है। यह मंदिर छपरा शहर के मध्य में सलेमपुर पोखरा पर तैयार होने जा रहा है। अभी तक इस मंदिर के शिखर का कार्य पूरा भी कर लिया गया है। मंदिर समिति के संयोजक अरुण पुरोहित के अनुसार मां कामाख्या देवी मंदिर के शिखर का निर्माण गुजरात से आए विश्वकर्मा परिवार के कुशल कारीगरों द्वारा अनोखे ढंग से किया जा रहा है। बता दें कि आम लोगों के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। राम जानकी मंदिर से 200 साल पुरानी मूर्ति चोरी, लोगों का फूटा गुस्सा। पूर्वी चंपारण के परसौनी कपूर पंचायत के वार्ड संख्या 1 स्थित राम जानकी मंदिर से करीब 200 साल पुरानी अष्ट धातु से बनी भगवान लक्ष्मण की मूर्ति चोरी हो गई है। चोरी हुई मूर्ति का वजन 10 किलोग्राम बताया गया है। चोरी की खबर मिलते ही पुलिस ने मौके का जायजा लिया और आगे की जांच में जुटी है। बता दें कि पताही में पिछले 2 माह में करीब आधे दर्जन मंदिरों से भगवान की मूर्तियों को चोरी किया जा चुका है। पुलिस द्वारा चोरी की गई एक भी मूर्ति को अभी तक बरामद नहीं किया जाने से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पटना विश्वविद्यालय के छात्र हत्या मामले में एक अभियुक्त गिरफ्तार। सोमवार को पटना विश्वविद्यालय के बीएन कॉलेज के छात्र हर्षराज की पीट पीट कर हत्या के मामले में शामिल 2 अभियुक्तों में से एक छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं हत्या के पीछे की वजह कुछ समय पहले मिलर स्कूल ग्राउंड में डांडिया नाइट आयोजित कार्यक्रम में हुए विवाद को माना जा रहा है, जिसमें हर्ष का कुछ अन्य छात्रों से विवाद हो गया था। तो वहीं हत्या को लेकर मंगलवार को अशोक राजपथ का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। छात्रों द्वारा पटना कॉलेज से कारगिल चौक तक मार्च निकाला गया। एमबीबीएस परीक्षा का पर्चा लीक मामले में जांच जारी।
आर्यभट्ट ज्ञान विवि की ओर से MBBS परीक्षा थर्ड ईयर प्रोफेशनल की पर्चा लीक मामले की रिपोर्ट अगले 2 हफ्ते में आ जाएगी। कुलपति के आदेश पर जल्द ही आंतरिक कमेटी गठन करने की तैयारी की जा रही है। लगातार 2 साल से MBBS परीक्षा विवादों के घेरे में रही है। हालांकि 5 मई की संबंधित परीक्षा को विवि की ओर से मामला संज्ञान में आने पर निरस्त कर पुनः 22 मई को आयोजित की गई है। पर्चा लीक मामले में कमेटी गठित करने की तैयारी चल रही है, जबकि अभी तक मामले को लेकर कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस से पहले बोधगया में हुआ योग उत्सव का आयोजन। 21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले सोमवार को ज्ञान की भूमि बोधगया के बोधगया मगध विश्वविद्यालय के खेल मैदान में योग उत्सव मनाया गया। इस उत्सव में 7000 से अधिक योग प्रेमियों ने हिस्सा लिया और योगाभ्यास किया। योग अभ्यास में बौद्ध भिक्षुओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और प्राणायाम करके स्वस्थ भारत और सशक्त भारत का संकल्प भी लिया। दाखिल खारिज मामले में चल रहा बड़ा खेल। दाखिल खारिज के मामले अब वरीय अधिकारियों के यहाँ बढ़ने लगे हैं। इसके केस कई महीनों से भूमि सुधार उप समाहर्ता से लेकर समाहर्ता तक पेंडिंग में थे। जिलाधिकारियों के पास भी जमीन से संबंधित अधिकतर मामले सामने आ रहे हैं। अंचल में दाखिल खारिज मामले में बड़ा खेल देखने को मिल रहा है। दरअसल मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक किसी भी तरह की आपत्ति पर अंचलाधिकारी या राजस्व अधिकारी बिना आवेदक का पक्ष सुने दाखिल खारिज को अस्वीकृत कर देते हैं। यदि दाखिल खारिज का आवेदन एक बार भी अस्वीकृत हुआ हो तो आवेदकों की कई परेशानियां बढ़ जाती हैं। उन्हें भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय जाना पड़ता है। यहां आने के बाद भी या तो आवेदकों के आवेदन रिजेक्ट कर दिए जाते हैं या दूसरों से उसी जमीन को लेकर आवेदन करवा दिया जाता है। बसपा ने चुनाव आयोग से की बिहार सरकार के मंत्री की शिकायत। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की बसपा ने चुनाव आयोग से पत्र लिखकर शिकायत की है। शिकायत पत्र में लिखा गया है कि राज्य सरकार में मंत्री अशोक चौधरी 3 दिन से काकोपली जहानाबाद के आवास से बिहार सरकार के पदाधिकारियों को अपने दल के उम्मीदवार के पक्ष में कार्य करने की धमकी देकर हतोत्साहित कर रहे हैं। बसपा के टिकट से जहानाबाद से उम्मीदवार और पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार के निर्वाचन अभिकर्ता रमेश कुमार शर्मा ने पत्र के जरिए चुनाव आयोग से मंत्री अशोक चौधरी पर जल्द कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। चौपर से पवन सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे खेसारी लाल यादव। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के काराकाट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने से काराकाट लोकसभा सीट काफी हॉट सीट साबित हो रही है। तो वहीं अपने चुनाव प्रचार के लिए पवन सिंह ने अब हेलीकॉप्टर को भी मंगवा लिया है। पवन सिंह आज भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के साथ पहली बार चौपर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव ने पिछले सप्ताह बिहार की वाल्मीकि नगर सीट से JDU प्रत्याशी सुनील कुशवाहा के लिए रोड शो किया था। तो वही खेसारी लाल यादव यूपी के आजमगढ़ सीट से भाजपा कैंडिडेट और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए भी चुनाव प्रचार कर चुके हैं। आज भी नालंदा में रोड शो कर रहे CM नीतीश। अंतिम चरण के लोकसभा चुनाव के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पूरी ताकत से लगे हुए हैं। आज दूसरे दिन भी CM नीतीश नालंदा में जदयू उम्मीदवार के लिए प्रचार में लगे हैं। संस्कृति पब्लिक स्कूल बनारस सोथामा और राजकीय कृत उच्च विद्यालय खेल मैदान सरमेरा में 2 जनसभाएं कर रहे हैं। वहीं सरमेरा से माधोपुर तक मुख्यमंत्री नीतीश रोड शो भी कर रहे हैं। आज दिन भर नालंदा में बिताने के बाद CM नीतीश रात में पटना लौट जाएंगे। लालू यादव ने पिछड़ों को आवाज दी मगर शिक्षा क्यों नहीं दी, प्रशांत किशोर का बयान। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति को लेकर लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि इनका पूरा फोकस समाज को बांटो, सबको गरीब मजदूर और अनपढ़ रखो, सबको समाजवाद और समता मूलक बात करके सामाजिक न्याय के नाम पर बेवकूफ बनाकर वोट लेने पर रहा है। प्रशांत किशोर ने लालू यादव से सवाल किया कि आपका दावा है कि आपने अपने शासनकाल में गरीबों और वंचितों पिछड़ों को आवाज दी, लेकिन आपने जिन वर्गों को आवाज दी उन्हें शिक्षा क्यों नहीं दी, उन्हें रोजगार क्यों नहीं दिया। ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि आवाज देने से वो आपको जिंदगी भर आपका झंडा लेकर आपके नारे लगाएंगे। अगर शिक्षित कर दिया होता तो वे ऐसा नहीं करते। शिखर धवन के शो में ऋषभ पंत ने कार दुर्घटना के बाद के बुरे समय का किया जिक्र। शिखर धवन के नए शो धवन करेंगे में भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अपने जीवन के मुश्किल समय के बारे में खुलासा किया है। पंत ने गंभीर कार दुर्घटना के बाद असहनीय दर्द झेलने के बारे में खुलकर बात की।
ऋषभ पंत ने चोट के बाद अपने अनुभव पर बात करते हुए कहा कि जब मेरी आंख खुली थी तो मुझे विश्वास नहीं था कि मैं जी पाऊंगा, मगर भगवान ने मुझे बचा लिया। उन्होंने आगे कहा कि मैंने 2 महीने तक ब्रश भी नहीं किया था और करीब 6 से 7 महीने तक मैंने असहनीय दर्द सहा। मैं एयरपोर्ट पर नहीं जाना चाहता था क्योंकि मुझे व्हील चेयर पर बैठ कर लोगों का सामना करने में हिचकिचाहट होती थी। इस दौरान पंत ने कहा कि चोट से उबरने के लिए आपको आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपके पास के लोग हर तरह की बातें कर रहे होते हैं। व्यक्तिगत रूप से आपको अपने बेहतरी के लिए सोचते रहना होता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनका नाम है नुन्नू गोपाल कुमार, राजकिशोर महतो, सादुल्लाह पालवी, मोहम्मद साकिर हुसैन, रवि कुमार राम, रंजीत मिश्रा, गोनर शर्मा, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद शफीक, राकेश मिश्र, नंद कुमार सिंह, रविकांत पटेल, संजीव कुमार, बीजेंद्र सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार अंतिम चरण के चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग को क्या कदम उठाने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।